सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लर्नमोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नमोट मेडिसिन में, जहां आप आते दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों आज का वीडियो महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे महिलाओं तथा लड़कियों जिनकी उम्र 11 वर्ष से लगाकर 50 वर्ष तक की है, उन्हें जब मासिक धर्म जिसे पीरियड्स कहते हैं होते हैं, तो कई प्रमुख समस्याएं देखने के लिए मिलती है, जैसे कि पेट दर्द होना, कमर दर्द होना, चिड़चिड़ापन रहना, गुस्सा आना, हैवी ब्लीडिंग्स होना, कई बार पीरियड्स बहुत जल्दी आ जाते हैं, कई बार पीरियड्स लंबे समय तक नहीं आते। तो ये जब समस्याएं होती है तो क्या दवा दी जाती है और वे कौन सी दवाइयां हैं जिन्हें हम बिना डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, जिन्हें घर पे रख सकते हैं, आवश्यकता पड़ने पर उन्हें लेके समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। तो ये सभी डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें जिससे पूरी जानकारी आपको मिल सके और आवश्यकता पड़ने पर आप सही दवा ले सकें। मैं हूं आपका दोस्त मोहित और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्नमोट मेडिसिन। चलिए आज से कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। फीमेल्स में सामान्यतः पीरियड्स 11 वर्ष से लगाकर 13 वर्ष की उम्र के बीच में होना शुरू हो जाते हैं और यह 45 वर्ष से लगाकर 50 वर्ष की उम्र तक प्रत्येक 28 दिन के बाद नियमित रूप से होते रहते हैं, और 45 से लगाकर 50 वर्ष की उम्र के बीच में नेचुरली ये बंद हो जाते हैं, जिसे हम मेनोपॉज की स्थिति कहते हैं। परंतु जब 11 वर्ष से लगाकर 50 वर्ष की उम्र के बीच में प्रत्येक 28 दिन के बाद में महिला को पीरियड होते हैं, तो कुछ महिलाओं में कुछ विशेष स्थितियाँ देखी गई है, कुछ समस्याएँ देखने के लिए मिलती है, जिसमें प्रमुखता होती है महिला को पेट दर्द होना, कमर दर्द होना, गुस्सा या चिड़चिड़ापन होना, किन्हीं किन्हीं महिलाओं में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लग जाती है, पीरियड्स जल्दी हो जाते हैं, किन में पीरियड्स डिले हो जाते हैं। ये कुछ समस्याएं होती है जो कि पर्टिकुलर दवा लेके डॉक्टर द्वारा ठीक की जाती है। कुछ दवाइयाँ ऐसी है जिसे हम घर पर रख कर इन सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, उनसे निजात पा सकते हैं, उसी के बारे में हम इस वीडियो में जान रहे हैं। अगर बात करें कौन कौन सी वो दवाइयां हैं, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं यदि किसी महिला को पेट दर्द या कमर दर्द होता है पीरियड्स के दौरान, तो कौन सी दवाई दी जाती है। यहां पर मैं आपको टेबलेट के कंपोजिशन तथा टेबलेट की ब्रांड नेम दोनों ही बताऊंगा, आप ध्यान से सुने। यदि किसी महिला को पेट दर्द और कमर दर्द हो रहा हो, तो उस समय महिला को डाइसाइक्लोमीन टेबलेट दी जा सकती है। इसके अलावा डाइसाइक्लोमीन तथा पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन की टेबलेट दी जा सकती है, और तीसरी जो दवा है ड्रोटावेरियन तथा मेफेनेमिक एसिड टेबलेट दी जा सकती है। अगर ब्रांड नेम की बात करें तो डाइसाइक्लोमीन और पैरासीटामोल जो कॉम्बिनेशन की दवा है, ये साइक्लोपाम नाम की टेबलेट से आती है, जिसकी पिक्चर स्क्रीन पर मैं दे रहा हूँ, इसे आप ले सकते हैं। साथ ही ड्रोटावेरियन मेफेनेमिक एसिड दवा है जो ड्रोट एम नाम से आती है। ये दवाइयाँ पेट दर्द होने पर एक टेबलेट आप ले सकते हैं, और एक टेबलेट से अगर पेट दर्द नहीं रुका है तो दिन में दो बार या दिन में तीन बार भी ले सकते हैं, और इसे तीन दिन या पाँच दिन जब तक आपका पीरियड चले उतने दिन तक ले सकते हैं, और इसे हमेशा खाने के बाद ही लेना होता है। अगली जो समस्या है पीरियड्स में होने वाली, वह है पीरियड्स के दौरान बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग होना, एक्स्ट्रा रक्त स्त्राव होना। तो इस स्थिति में महिला को या तो पीरियड्स में एक ही दिन में बहुत ज़्यादा ब्लड आएगा, या जो ब्लड है पाँच दिन या सात दिन लगातार होता रहेगा। तो उस स्थिति में दो दवाइयाँ प्रमुख रूप से दी जाती है, जिसमें पहली है ट्रेनेक्समिक एसिड टेबलेट। यह 250 मिलीग्राम तथा 500 मिलीग्राम दोनों ही स्ट्रेंथ में मिलती है, जिसे आप मार्केट में ट्रेपिक टेबलेट के नाम से तथा पोल्स टेबलेट के नाम से खरीद सकते हैं। और जो दूसरी दवा है वो इथामसाइलेट टेबलेट है, यह भी 250 मिलीग्राम तथा 500 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में मिलती है, इसे आप इथासाइल टेबलेट के नाम से खरीद सकते हैं। यहाँ पे जो मैं ब्रांड नेम बता रहा हूँ, जो पॉपुलर ब्रांड नेम है उन्हीं को बता रहा हूँ, इसके अलावा भी दूसरे नाम से भी आपको मिल सकती है। इस दवा को किस तरह से लेना, अगर बात करें तो दिन में दो टेबलेट लेनी होती है, और ज़्यादा आवश्यकता पड़ने पर दिन में तीन टेबलेट भी दी जा सकती है। इसे तीन दिन या पाँच दिन और आवश्यकता पड़े तो सात दिन तक भी लेते हैं। किसी लड़की की अगर उम्र 11 वर्ष से लगाकर 15 वर्ष की है, उसका वजन भी थोड़ा कम ही है, तो सिर्फ 250 मिलीग्राम की जो टेबलेट है दिन में दो बार ही दी जाएगी, इसे ज़्यादा नहीं दें। और अगर ओवरडोज दे देते हैं तो आपको ज़्यादा समस्या हो सकती है, इसलिए अगर वजन कम है तो अपने डॉक्टर से मिलके ही दवा का प्रयोग करें। अगला जो समस्या है मोस्ट कॉमन होने वाली, वो है महिलाओं में पीरियड्स का नहीं आना।
काफी लंबे समय तक पीरियड नहीं आते, जैसे कि 40 दिन, 50 दिन, किसी किसी को 60 दिन, 2 महीने तक भी पीरियड्स नहीं आते। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर क्या दवा देते हैं और कौन सी दवा लेने पर इसमें फ़ायदा होता है? तो इसमें जो सामान्यतः समस्या में जो दवा दी जाती है उसका जो साल्ट नेम है, जो कंपोजिशन है, वो है नॉर्थ ईस्टिडोन 5 मिलीग्राम की टेबलेट, जिसे आप मेडिकल स्टोर पर रेजिस्ट्रॉन टेबलेट के नाम से खरीद सकते हैं। यह टेबलेट सामान्यतः डॉक्टर द्वारा दी जाती है अगर एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है तो। इसको 5 दिन लेने पर अगले 6ठे या 7वें दिन पीरियड्स हो जाते हैं, और अगर किसी महिला को 40 दिन हुए पीरियड्स नहीं आए तो दिन में एक बार इस टेबलेट को दिया जाता है, अगर थोड़े ज़्यादा दिन हुए तो दिन में 2 बार, और ज़्यादा दिन, 2 महीने से ज़्यादा हो गए तो दिन में 3 बार लेने की सलाह भी दी जाती है, और इसे खाने के बाद में लिया जाता है। और यह टेबलेट देने से पहले एक विशेष बात आप कंफर्म कर लें कि महिला को प्रेगनेंसी तो नहीं है। यदि किसी महिला को प्रेगनेंसी होगी तो ये टेबलेट उसे कोई काम की नहीं है, और अगर इसको लेने से भी अगर फ़ायदा नहीं होता तो अपने डॉक्टर से मिल लीजिए, जैसे कि एडिशनल ट्रीटमेंट दिया जा सके। इस टेबलेट के अलावा एक हार्मोनल टेबलेट और है, जो कॉन्ट्रासेप्टिव टेबलेट है, जिसे आप सभी जानते हैं, माला एन तथा माला डी। इसका प्रयोग भी पीरियड्स को समय पर लाने के लिए किया जाता है। अगली जो समस्या है वो है महिलाओं में पीरियड्स बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं, नियमित रूप से नहीं होते, कभी 20 दिन में हो जाते हैं, कभी 15 दिन में, या कभी 40 दिन में भी नहीं होते। तो ऐसी स्थिति में क्या करना होता है? तो ऐसी स्थिति में मेरी सलाह है घर पे ट्रीटमेंट आप नहीं करें, पूरा 21 दिन का ट्रीटमेंट दिया जाता है, सपोर्टिव मेडिसिन भी दी जाती है और पेशेंट की कंडीशन के अनुसार दी जाती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ क्या टेबलेट दी जाती है, तो उसमें जैसा हमने अभी जाना था कि जो नॉर्थईस्टर्न 5 मिलीग्राम टेबलेट है, जिसे रेजिस्ट्रॉन नाम से आप खरीद सकते, इसे दिया जाता है, इसे रेगुलर 21 दिन के लिए दिया जाता है, बिना छोड़े 21 दिन इसको लेना होता है, प्रत्येक पीरियड के बाद फिर 21 दिन इसको लेना होता है। वो पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है कितने महीने तक इसका प्रयोग करना है। इस समय माला डी तथा माला एन टेबलेट भी डॉक्टर द्वारा दी जाती है। और एक विशेष बात, यह टेबलेट अनमेरिड वुमेंस जो है, अनमेरिड फीमेल से, उन्हें भी दी जा सकती है, उन्हें कोई समस्या नहीं करती है, पीरियड्स रेगुलर ही करेगी। और जो लास्ट प्रॉब्लम है ज़्यादातर मोस्ट कॉमन होने वाली में, वो है चिड़चिड़ापन तथा गुस्सा होना। इसे हम PMS नाम से भी जान सकते हैं, जो सामान्य तौर पर इस समस्या में पीरियड होने के 5 दिन पहले या 10 दिन पहले महिला को गुस्सा होना, चिड़चिड़ापन रहना, डिप्रेशन होना, ये समस्या होने लग जाती है। तो इस समय प्रत्येक महिला को अलग अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है। सामान्यतः जो दवा दी जाती है प्राइमोसा टेबलेट दी जाती है, प्राइमोसा कैप्सूल दिया जाता है, इसके अलावा माइक्रोनाइज प्रोजेस्टेरोन भी दिया जा सकता है, और कुछ दूसरी दवा दी जा सकती है। इसका जो ट्रीटमेंट है सिर्फ डॉक्टर ही करते हैं। इस स्थिति में आप डॉक्टर से जरूर से मिले। जिन समस्या को हम घर पे ठीक कर सकते हैं उसमें प्रमुख था पेट दर्द होना, कमर दर्द होना, अगर एक्स्ट्रा ब्लीडिंग होने लग जाए वो, या 40 या 50 दिन तक आपको पीरियड नहीं आए वो स्थितियाँ, इन सब की दवा आप घर पे रख सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर इन्हें आप ले सकते हैं। साथ ही जो मैंने दवाइयाँ सभी बताई है, इन सभी के लिए मैंने अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाए हैं। यदि आप में से कोई सेपरेट वीडियो देखना चाहता है, इन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ ही ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी इनके बारे में आप डिटेल जान सकते हैं। और इसी के साथ मैंने पूरी डिटेल इसके बारे में आपको बता दी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी यदि किसी प्रकार का डाउट आपको रहा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जोर से करें, या कोई और जानकारी आपको चाहिए मुझे बताएं, जो आने वाले दिनों में वीडियो जोर से बनाऊंगा। आप थे अपने दोस्त मोहित आदि साथ, देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल मेडिसिन यूजर्स।